हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, आज की और अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 3 दशक पुराने राजनयिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए भारत आएंगे इस देश के प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, बताएंगे कौन आने वाला है भारत। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे, जहां पर रूसी सेना के जमावड़े के जवाब में नाटो ने अब भेज दी है अपनी सेनाएं। जी हां दोस्तों, और अमेरिका भी कर रहा है अपनी सेनाओं को भेजने की बड़ी तैयारी। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर आपको डिटेल में। साथ ही आगे बताएंगे, जहां पर अब यूक्रेन संकट पर भारत की भी पैनी निगाहें। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत क्या स्थिति को देख रहा है दोस्तों, बताएंगे। साथ ही इतिहास में रूस का कोई भी राष्ट्रपति नहीं गया है पाकिस्तान पर। इमरान सरकार इसी साल पुतिन के स्वागत के लिए है बेकरार, क्या पुतिन इस बार पाकिस्तान आएंगे। हर सवालों का जवाब आपको यहाँ मिलेगा दोस्तों। साथ ही बताएंगे, जहाँ अमरिंदर सिंह ने बड़ा दावा कर दिया है, सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से आया था मैसेज। जी हाँ दोस्तों, अमरिंदर सिंह ने यह बड़ा दावा किया है। पूरी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश चुनाव की चुनावी सरगर्मी के बीच दोस्तों क्या है उत्तर प्रदेश की सारी खबरें आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे, जहाँ ये बैंक करने जा रहा है हजारों बैंक खातों को बंद, 31 मार्च तक जरूर निपटा ले ये सारे काम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस बैंक की बात कर रहे हैं हम, तो हर तरह की आपको जानकारी देंगे। तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हाँ, तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है, गर्व है। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कभी भी भारत का दौरा कर सकते हैं इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। जी हाँ दोस्तों, दोनों देशों में राजनयिक संबंध के 30 साल पूरे हो गए हैं, बता दे राजदूत ने ये बहुत बड़ी जानकारी दी है दोस्तों हम सभी को। बता दे 3 दशक पुराने राजनयिक रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए भारत आएंगे इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट। बता दें कि भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने सोमवार को कहा है कि उनके प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। हालांकि अभी दौरे की तारीख तय नहीं है, लेकिन दोनों देश अपने राजनयिक रिश्तों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाले हैं, और इसके लिए पीएम बेनेट इसी वर्ष भारत आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही तारीख तय होती हम आपको सबसे पहले बताएंगे, जैसे अभी हमने सबसे पहले आपको बताया दोस्तों कि भारत कभी भी आ सकते हैं। ऐसे में इजरायली पीएम को मोस्ट वेलकम टू इंडिया कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन और रूस को लेकर बात करते हैं, जहां रूसी सेना के जमावड़े के बीच और उस जमावड़े के जवाब में नाटो भी भेज रही है अपनी सेनाओं को। बता दें, नाटो ने बड़ी संख्या में फौज, युद्ध पोत और लड़ाकू विमान रूस के आसपास तैनात करने शुरू कर दिए हैं दोस्तों। असफल बातचीत के बाद रूस और अमेरिका करीब 30 साल बाद इतने बड़े सैन्य तनाव से गुजर रहा है। यूक्रेन संकट से शुरू हुआ रूस और पश्चिमी देशों का विवाद और गंभीर होता जा रहा है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो अगले महीने आयरलैंड के पास समुद्र में सैन्य अभ्यास करेगा। आयरलैंड ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे सैन्य अभ्यास का स्वागत नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बातचीत और कूटनीति के सहारे तनाव कम करने की कोशिशें नाकाम होने के बाद अब नाटो ने भी बड़ी संख्या में रूस के आसपास पूर्वी यूरोप में सैन्य तैनाती शुरू कर दी है दोस्तों। अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो का कहना है कि युद्ध भड़काने वाली किसी भी कार्रवाई को रोकने के इरादे से यह किया जा रहा है। नाटो का सदस्य देश डेनमार्क अपने लड़ाकू नौसैनिक जहाज और F-16 फाइटर जेट लिथुआनिया भेज रहा है, और स्पेन भी अपने वॉरशिप बाल्टिक सागर में भेज रहा है दोस्तों। और यह संभावना भी है कि स्पेन अपने लड़ाकू विमान बुल्गारिया भेज सकता है दोस्तों। फ्रांस का कहना है कि वो भी अपनी सेना बुल्गारिया भेजने के लिए तैयार है। नीदरलैंड्स ने भी अपने फौज और नौसेना को स्टैंड बाय में रखा हुआ है, यानी कि तैयारी में रखी हुई है दोस्तों, और जैसे ही जरूरत पड़ेगी तुरंत के तुरंत रूसी बॉर्डर पर उतार दिया जाएगा और मिलकर रूस को जवाब दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में जब नाटो अब उतर कर सामने आ गया है दोस्तों, और पूरी फिल्म में अब नाटो अपना
प्रदर्शन दिखा रहा है, तो इससे आप समझ ही पा रहे होंगे कितनी भयावह स्थिति हो चुकी है। और कुछ ही मिनटों में यानी बस एक इशारे की जरूरत है दोस्तों और युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि सारे सैनिक बस बॉर्डर तक पहुंचने ही वाले हैं। और आपको बता दें ये सारे सैनिक समुद्र के रास्ते से यूक्रेन की सीमाओं पर, स्पेन की सीमाओं पर पहुंचते नजर आ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, आपको छोटी से छोटी खबर से भी यहाँ अपडेट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बात पर दोस्तों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा। बात करें इसी से जुड़ी खबर की, जहाँ पर अमेरिका भी कर रहा है सेनाओं को भेजने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, नाटो देश ने जिस प्रकार से सेनाओं को भेजा है, ऐसे में अमेरिका भी अपने सभी सैनिकों को मैदान में उतारने की कोशिश में जुटा हुआ है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका हथियारों को पहले ही भेज चुका है यूक्रेन, बस अब अपने सैनिकों को भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और साथ में भारत की बात करें तो भारत ने भी यूक्रेन संकट पर पैनी निगाहें गड़ा रखी है दोस्तों। रूस अमेरिका के सुलह में ही देश का हित है, ऐसा भारत का मानना है। आपको बता दें कि भारत को दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर सुलह की उम्मीद है। दोनों के बीच मतलब रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के बीच एक दिन पहले हुई सकारात्मक बातचीत को लेकर भारत ने यह अनुमान लगाया है दोस्तों। भारत पिछले कई महीनों से यूक्रेन के घटनाक्रम पर पैनी निगाहें रखे हुए है, लेकिन कोई बयान जारी नहीं किया है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात पैदा होने के बाद जिस प्रकार नाटो देशों ने रूस की घेराबंदी की और आगे टकराव बढ़ने के संकेत मिले हैं, उससे भारत के अमेरिका यूरोप रूस से कूटनीतिक संबंध प्रभावित होने की आशंका तो है ही, चीन के मोर्चे पर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी भारत को लेकर? क्या भारत को रूस और यूक्रेन के बीच समस्याओं के बीच में दोस्तों क्या जवाब देना चाहिए, या फिर भारत को अभी साइड ही रहना चाहिए दोस्तों? और भारत को जैसे अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, वैसे ही अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट करके अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। भारत को दरअसल क्या करना चाहिए, आप भारत की जनता है दोस्तों, आपकी राय सर्वोपरि है, तो अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर इतिहास में रूस का कोई राष्ट्रपति नहीं गया पाकिस्तान पर, इमरान सरकार इसी साल पुतिन के स्वागत के लिए है बेकरार। दरअसल पाकिस्तान की सरकार देश में पहली बार रूस के किसी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए बेताब है दोस्तों। बताया गया है कि इसके लिए खुद प्रधानमंत्री इमरान खान जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हालिया समय में फोन पर हुई बातचीत में भी इमरान खान ने उन्हें पाकिस्तान आने का आधिकारिक न्योता दिया है। अब सामने आया है कि पाकिस्तान इसी साल रूसी राष्ट्रपति को देश में बुलाकर विदेशी संबंधों को नए आयाम पर ले जाना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान की ये कोशिशें कितनी सफल होंगी ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि पुतिन के किसी भी देश के दौरे की कीमत काफी ज्यादा होती है दोस्तों। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या पुतिन पाकिस्तान का दौरा करेंगे दोस्तों? अपना अनुमान जरूर बताइएगा कमेंट में। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका जापान युद्धाभ्यास से बौखलाया चीन, ताइवानी सीमा में भेज डाले J-10D समेत 39 लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, चीनी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर ताइवानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन ने रविवार को 39 लड़ाकू विमानों को हमारी हवाई सीमा में भेजा था। इसमें चीन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर नया लड़ाकू विमान J-16D भी शामिल था। 2022 में यह पहला मौका है जब चीन के लड़ाकू विमानों ने इतनी बड़ी संख्या में ताइवान में घुसपैठ की, और एक दिन पहले ही अमेरिकी नौसेना और जापान की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर से सटे फिलीपींस सागर में नौसैनिक अभ्यास किया था। इसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 एम्फीबियस असॉल्ट शिप, 2 गाइडेड मिसाइल क्रूजर, 5 डिस्ट्रॉयर और कई जापानी युद्धपोत शामिल हुए थे। ऐसे में दोस्तों ताइवानी सीमा में घुसपैठ करने के बाद अमेरिका का बड़ा चेतावनी चीन को, कहा यूक्रेन संकट के दौरान ताइवान में दखल देने की कोशिश ना करे चीन। बताते रूस व यूक्रेन के बीच सैन्य तकरार के बढ़ते खतरे को देखते हुए और इस खतरे में अमेरिका पूरे तरीके से व्यस्त है दोस्तों, और ऐसे में अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है। अमेरिका ने चीन को आगाह किया है कि वो इस मौके का फायदा ताइवान में अपना दखल बढ़ाने के तौर पर ना उठाए। अमेरिका ने चीन की पहले ही घेराबंदी कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां ईरान परमाणु डील नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है।
दोस्तों, चीन की भूमिका पर टिकी है सबकी निगाहें। बता दे, ईरान परमाणु समझौते को पुनः जीवित करने के लिए यहां चल रही बातचीत एक कठिन दौर में पहुंच गई है। ईरान की समाचार एजेंसी डरना ने एक रिपोर्ट में कहा है कि बातचीत अब बारीक ब्यौरे के दौरे में पहुंच गई है। अब ये बातचीत का सबसे कठिन हिस्सा है। ये बातचीत बीते सोमवार को फिर से शुरू हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक समझौते को पुनर्जीवित करने के रास्ते में ईरान की एक मांग सबसे बड़ी बाधा बन गई है। अखबार ने वार्ताकारों के हवाले से बताया है कि ईरान अमेरिका से इस बात की गारंटी मांग रहा है कि वो फिर कभी समझौते से बाहर नहीं निकलेगा और दोबारा ईरान पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चले, जहाँ पर दुबई से खबर, हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी पर फिर दागी दो बैलिस्टिक मिसाइलें, जिसके बाद यूएई ने मार गिराई इन दोनों बैलिस्टिक मिसाइलों को। बता दे, अबू धाबी पर मिसाइल हमले का यूएई ने लिया है करारा बदला। F-16 ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकाने को उड़ाया। ऐसे जी हाँ दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने अबू धाबी पर हुए मिसाइली हमले के 2 घंटे के भीतर ही जबरदस्त कार्रवाई की है। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती विद्रोहियों के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग साइट को निशाना बनाया है। इस हवाई हमले में हूती विद्रोहियों की लॉन्चिंग साइट पूरी तरह से तबाह हो गई है। दोस्तों, यूएई के रक्षा मंत्रालय ने यमन में हुए हवाई हमले का एक वीडियो भी जारी किया है और इस वीडियो को एयर स्ट्राइक के दौरान एक ड्रोन से फिल्माया गया था। इस हमले के 2 दिन पहले ही सऊदी अरब की वायुसेना ने भाई यमन ने हुदैदा बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर भीषण बमबारी की थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहाँ पाकिस्तान से बड़ी खबर, इमरान खान की विपक्ष को बड़ी चेतावनी, यानी इमरान खान ने अपने विपक्ष को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मुझे प्रधानमंत्री के पद छोड़ने पर मजबूर किया तो मैं और भी ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को विपक्षी दलों को खुली चेतावनी दी है। इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इसके साथ ही इमरान खान ने विपक्ष की कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, इमरान खान ने कहा, अगर मैं सड़कों पर आ गया तो आप यानी विपक्ष को सबको छिपने की कोई जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा, अगर उन्हें पद छोड़ने पर मजबूर किया गया तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, इमरान खान ने अपने ही देश की जनता को घटिया लोग बताया है। जी हाँ दोस्तों, इमरान खान ने वीडियो में कहा है, जो वीडियो सबसे ज्यादा भी सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही है दोस्तों, जिसमें इमरान खान अपने पाकिस्तान की जनता को घटिया लोग कहते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी इमरान खान को लेकर, बताइएगा जरूर दोस्तों। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहाँ कंगाल होने के कगार पर पाकिस्तान का जिगरी दोस्त, संकट से बचाने आया भारत का ये खास पार्टनर। दरअसल पाकिस्तान का जिगरी दोस्त तुर्की इन दिनों भीषण आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। देश में लगातार वित्तीय अधिकारियों के इस्तीफे हो रहे हैं दोस्तों, लेकिन देश के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान की जिद में कोई कमी नहीं आई है। जबकि दूसरी तरफ तुर्की की ये सारे मुद्दे लगातार रसातल में जाते दिखाई दे रहे हैं। तुर्की में स्थिति ये बन चुकी है कि रोटी के दुकानों के बाहर भारी भीड़ लगी रहती है, पेट्रोल पंपों में तेल नहीं मिलता है और तुर्की के खेतों में बंजरपन फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत के खास दोस्त यूएई ने तुर्की की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहाँ पीएम इमरान की पार्टी के हिंदू सांसद का ऐलान, कहा चार्टर्ड फ्लाइट से अगले हफ्ते तीर्थ यात्रियों को ले जाएंगे भारत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी के हिंदू सांसद ने सोमवार को ऐलान किया है कि वे इस हफ्ते के अंत में तीर्थ यात्रियों के एक जत्थे को लेकर भारत की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के इस सांसद का कहना है कि वे तीर्थ यात्रियों के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम करेंगे। अगली खबर की बात करें, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का वीचैट अकाउंट हुआ हैक, सांसदों ने चीनी सरकार पर लगाए हैं गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन का चीनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन बोले तो वीचैट पर बना अकाउंट हैक हो गया है। दोस्तों, देश के शीर्ष सांसदों ने सोमवार को चीनी नेताओं पर सोशल मीडिया पर राजनीतिक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि
प्रधानमंत्री के अकाउंट पर अब उनका कंट्रोल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ पर यूएई में निजी ड्रोन पर प्रतिबंध, हमले में जान गंवाने वाले भारतीयों का पंजाब में हुआ अंतिम संस्कार। साथ ही आपको बता दें आर्मेनिया के राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति आर्मन सारकिसयान ने अजरबैजान के साथ संघर्ष से संबंधित फैसलों पर अपना असंतोष जाहिर किया और इस्तीफा दे दिया है। आर्मन सारकिसयान ने रविवार को घोषणा की है कि वे संकट के समय में नीति को प्रभावित करने में असमर्थता के कारण आर्मेनिया के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे रहे हैं। अगली खबर की ओर चले जहां WHO का कोरोना को लेकर बहुत बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यूरोप में कोरोना महामारी का हो सकता है अंत, लेकिन करना होगा अभी थोड़ा इंतजार। जी हां दोस्तों, बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन के यूरोप निदेशक हंस क्लूज ने कोरोना महामारी को लेकर राहत भरी जानकारी दी है। क्लूज ने कहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने यूरोपीय देशों में महामारी को एक नए चरण में स्थानांतरित कर दिया है और ये समाप्त हो सकती है, हालांकि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि यह प्रशंसनीय है कि क्षेत्र एक तरफ की महामारी के अंत की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ पर उत्तर प्रदेश में अब तक 25 करोड़ लोगों का हुआ वैक्सीनेशन, 66% से ज्यादा लोगों को लगी दोनों डोजें। जी हाँ दोस्तों, जिसको देखते हुए पूरी उत्तर प्रदेश सहित भारत की जनता योगी सरकार से खुश होती नजर आ रही है। दोस्तों, जो और कोई राज्य नहीं कर सका वो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भारी जनसंख्या वाले स्टेट में करके दिखा दिया है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट में राय सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर अमरिंदर सिंह का बड़ा दावा, सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से आया था मैसेज। जी हां दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सोमवार को दावा किया है कि कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए उनके पास पाकिस्तान से मैसेज आया था। कैप्टन के इस दावे के साथ पंजाब विधानसभा चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। दोस्तों, आपको बता दें सिद्धू फिलहाल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और दोनों नेताओं के बीच विवाद गहराने के बाद आखिर में अमरिंदर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस ने एक दलित चेहरे को आगे करते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी थी। आपको बता दें अमरिंदर सिंह ने जो ये बड़ा बयान दिया है दोस्तों कि सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से आया था मैसेज। जी हां दोस्तों, ऐसे में पूरी बात क्या है आपको बता दें, अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान से ये मैसेज आया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने एक रिक्वेस्ट भेजा है, अगर आप सिद्धू को अपनी कैबिनेट में ले सकते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा, वो मेरा पुराना दोस्त है और अगर वो काम नहीं करेगा तो निकाल देना। जी हां दोस्तों, ऐसी बात का दावा अमरिंदर सिंह ने कहा है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है अमरिंदर सिंह ने कहीं कहीं जो ये दावा किया है दोस्तों वो सच हो सकता है? आपको क्या लगता है, आपके क्या खुद के विचार है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां यूपी में फिर से गुंडा राज चाहते हैं अखिलेश, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, SP उम्मीदवारों की सूची पर बोले मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां पर अन्ना हजारे का बड़ा आरोप, चीनी मिल बिक्री में हुआ 25,000 करोड़ का घोटाला। अमित शाह को पत्र लिखकर अन्ना हजारे ने जांच की मांग करने की बात कही है। दोस्तों बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों की बिक्री में कथित तौर पर 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले और बेहद कम कीमतों पर उनकी खरीद की सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच की मांग की है। अमित शाह को लिखे अपने पत्र में अन्ना हजारे ने अनुरोध किया है कि कथित घोटाले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की जाए। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां पर अयोध्या में ट्रेन पलटने की बड़ी साजिश नाकामयाब, पटरी के 6 बोल्ट मिले गायब। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दौरान और गणतंत्र दिवस से ठीक पहले भगवान श्री राम जी की नगरी अयोध्या में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है दोस्तों, जहां रेल पुल के 3 हुक और 3 बोल्ट रातों रात खोल दिए गए हैं। पटरी को पुल से जोड़कर रखने में ये बोल्ट काफी अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि ट्रैक को जोड़ने के लिए लगे 3 हुक बोल्ट तथा 3 आउट
डॉक्टर बोल्ट लापता देख पूरे रेल महकमे में हड़कंप मच गया। रविवार सुबह जब तक रेल कर्मचारियों की नजर पड़ी तब तक तीन प्रमुख ट्रेनें इसी पुल से धड़ाधड़ होती गुजर गई दोस्तों। इस घटना से रेलवे अधिकारी भी सख्ते में है। दरअसल इन पुर्जों को निकाल देने से तेज रफ्तार ट्रेन की बेपटरी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगली खबर की बात करें जहां पर जिन्ना राग फिर बना एक बार सियासी मुद्दा। आपको बता दे भाजपा ने अखिलेश पर किया वार। कहा जो करे जिन्ना से प्यार वो कैसे करे पाकिस्तान से इनकार। जी हाँ दोस्तों, संबित पात्रा ने कहा है कि मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो कश्मीर के भाई बहन पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों द्वारा मारे जाते हैं क्या वो भारतीय नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्ना से जो प्यार करे वो पाकिस्तान से कैसे इनकार करे। उन्होंने कहा कि जो जिन्ना का नाम लेकर उतरे थे वो आज पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, संबित पात्रा ने आगे कहा कि आज मोदी योगी जी को उत्तर प्रदेश वासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के नेता अखिलेश जी ने एक अखबार के साक्षात्कार में कहा है कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते। उन्होंने कहा कि भाजपा वोट की राजनीति के लिए पाकिस्तान को हमारा दुश्मन बताती है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे भाजपा ने सही तरीके से समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया है दोस्तों। ऐसे में संबित पात्रा के इन बातों का क्या आप समर्थन करते हैं? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही आपको बता दें फरवरी में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक ब्रांच। जाने से पहले छुट्टियां जरूर आप देख लें। जी हाँ दोस्तों, इस महीने 12 दिन रहेंगी बैंकों की छुट्टियां। किन किन दिनों रहेंगी दोस्तों हमने स्क्रीन पर दे दी है। 2 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में दोस्तों इन दिनों पर छुट्टियां रहने वाली है बैंक की, हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है। साथ ही अंतिम खबर की बात करें जहां पर SBI बैंक अब बंद कर देगा हजारों अपने बैंक के खाते। 31 मार्च तक जरूर निपटा लें KYC से जुड़ा ये जरूरी काम। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ने कई अलग अलग माध्यमों से KYC अपडेट कराने की जानकारी दी। अपने आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट के अलावा ग्राहकों को मैसेज भी भेजे गए हैं। SBI के मुताबिक हजारों खाते ऐसे हैं जिनका KYC अपडेट होना जरूरी है। इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई है। इस डेडलाइन तक खाते का KYC जरूर अपडेट कर लें वरना बाद में खाते से ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ATM या डेबिट कार्ड भी काम नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जिन भाइयों ने अपडेट नहीं करवाया कृपया बैंक जाकर के KYC जरूर अपडेट करवा लें। और जिनका अपडेट है वो कमेंट में बता जरूर दीजिएगा दोस्तों कि आपके लिए खबर बहुत महत्वपूर्ण थी। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत जय श्री राम।